गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट टीचर नर्सरी का फॉर्म एप्लीकेशंस आ चुका है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट टीचर नर्सरी ऑनलाइन फॉर्म 2024, तो ये नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये स्पेशली ये दिल्ली में एग्ज़ाम, ये दिल्ली यूटी के लिए एग्ज़ाम होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एन असिस्टेंट नर्सरी टीचर। ओके, जो 1 to 5 की जो नर्सरी टीचर है, उन लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है। और ये जो अपकमिंग तकरीबन 1455 वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन होने वाले हैं, और इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप नीचे इसका डिटेल हम देखेंगे। और यह है नोटिफिकेशन नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर है, और ये 7 फरवरी तक। ओके, जो एप्लीकेशन जो फॉर्म जो शुरू होगी, ये 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक आप लोग जमा कर सकते हैं डी ट्रिपल एस बी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना सीट्स हैं, 1455 पोस्ट। ओके, फॉर असिस्टेंट नर्सरी टीचर्स के लिए। और इसमें भी जो सीटेट मस्ट है, जो सीटेट जो पास आउट कैंडिडेट है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो क्राइटेरिया है एज ए टीचर, प्राइमरी टीचर बनने का, वो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। ऊपर में देख सकते हैं 1455 पोस्ट है। जनरल वालों के लिए 614, ओबीसी 377, ईडब्ल्यूएस के लिए 151, एसटी 115 और एससी के लिए 198 पोस्ट। और इसमें उसी तरह एज का जो लिमिट है 18 ईयर्स से लेकर के एटलीस्ट 30 साल तक के जो एजेस हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन नर्सरी टीचर बनने के लिए सबसे पहले बीएड या डीएड होना चाहिए, 45 मार्क्स, कम से कम 45 मार्क्स सीनियर सेकेंडरी यानी इंटर में या एचएस में होना चाहिए, और बीएड के साथ। ओके, बट बीएड इसमें होना चाहिए, और सीटेट पास आउट कैंडिडेट होने चाहिए। लैंग्वेज का जो प्रोफिशियंसी है, ये फ्लुएंट हिंदी या सेकेंडरी लेवल का जो लैंग्वेज है उसमें, यानी हिंदी मस्ट है, हिंदी और इंग्लिश। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 10, 12 और कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, और स्कैन कलर फोटो साइज हो, और स्कैन सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ओके, कैसे अप्लाई करना है, तो डी ट्रिपल एस बी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं 7 जनवरी के बाद से। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डी ट्रिपल एस बी। और जो एप्लीकेशन फ़ी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़, और कोई एप्लीकेशन फी नहीं एस टी एस सी और अनरिजर्व फीमेल कैटेगरीज के लिए। जो डेडलाइन बता दिया गया, 7 फरवरी तक लास्ट डेट है, 7 जनवरी से शुरू होगी, या 9 जनवरी से शुरू होगी, 7 फरवरी तक लास्ट। और इसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू। ये था एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना भूले, और चैनल के साथ बने रहें इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।